आज हम देखेंगे मैथ क्लास यूकेजी। इसमें आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? माइनस। ओके, हमें क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस। देखो कैसे करते हैं। ये क्या है? सिक्स है, तो कितनी लाइनें बनाएंगे? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बना दी। अब इसमें से कितना माइनस करना है? टू। चलो टू माइनस करते हैं, वन टू। टू माइनस कर दिया तो अब कितने बच गए? वन टू थ्री फोर, फोर बच गए, तो यहाँ पे फोर लिख देंगे। सेम ऐसे आगे करेंगे। क्या लिखा है? ये नाइन लिखा है। नाइन में से कितना माइनस करना है? थ्री माइनस करना है। चलो करते हैं, नाइन है तो कितनी लाइनें बनाएंगे? नाइन लाइनें बनाएंगे, बनाते हैं। चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। कितना माइनस करना है? थ्री माइनस करना है, तो थ्री लाइनें कट कर देंगे, वन टू थ्री। तो अब कितनी बच गई? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नाइन में से थ्री माइनस किया तो कितना बच गया? सिक्स, तो सिक्स यहाँ लिख देंगे। सेम ऐसे आगे करेंगे। ये कितना है? फाइव, तो फाइव लाइनें बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव में से कितना माइनस करना है? टू माइनस करना है। चलो करते हैं, वन टू, जितना माइनस करना उन लाइनों में से कट कर देंगे, और फिर जो लाइनें बच रही है उनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। चलो कितनी बच रही है? वन टू थ्री, थ्री लाइनें बच रही है, काउंट करके उनको यहाँ लिख दो, थ्री। तो फाइव में से टू गया तो कितने बचते हैं? थ्री बचते हैं। अब क्या है? ये थ्री है, तो थ्री लाइनें बनाएंगे, वन टू थ्री। थ्री में से कितना माइनस करना है? वन माइनस करना है, तो कितनी लाइन कट करेंगे? वन लाइन। तो कितना बच गया? वन टू, टू बच गया, तो टू यहाँ लिख देंगे। अब ये देखो कितना है? ये सिक्स, तो कितनी लाइनें बनाएंगे? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स में से जीरो माइनस करना है। जीरो मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। जीरो माने कुछ नहीं, तो इसमें से हम कुछ लाइनें कट करेंगे? इसमें से कुछ भी माइनस होगा? नो। क्यों? क्योंकि जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ क्या आएगा? सिक्स आएगा। आगे देखते हैं कितना लिखा है। ये एट लिखा है, तो कितनी लाइनें बनाएंगे? एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट लाइनें बनाएंगे, एट में से कितना माइनस करना है? जीरो माइनस करना है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता, तो एट में से जीरो गया। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं गया, तो क्या बचेगा? एट बचाएगा। ओके, ऐसे ही आपको बोल बोल के नोटबुक में करना है, लर्न करना है, कल आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।